नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 9th of January 2023 एंड डेली के करंट प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं। न्यूज ऑन एयर से ये न्यूज लिया गया है। गान नगाई फेस्टिवल, रिसेंटली गान नगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, राइट। इसीलिए गान नगाई के दौरान मणिपुर में रीजनल पब्लिक हॉलीडे दिया गया था। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको जो दिया जाता है ना, मतलब ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द मंथ ऑफ वैकिंग इन द मणिपुर कैलेंडर, मणिपुर कैलेंडर में मंथ ऑफ वैकिंग आता है तो उसका 30th डे में इसको दिया जाता है। और जो क्या कहाँ कब फॉल करता है, या तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर या फिर जनवरी में फॉल करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज चकान गान नगाई एंड ये बिगेस्ट फेस्टिवल है ऑफ जेलियांगडोंग कम्युनिटीज, राइट। तो ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। गान नगाई जो है ये टेक प्लेस करता है आफ्टर द एंड ऑफ एवरी हार्वेस्ट सीजन। और गान नगाई लिटरली अगर इसका मीनिंग देख लीजिएगा तो इसका मीनिंग है फेस्टिवल ऑफ विंटर सीजन, क्योंकि गान या फिर GANH, देखो GAAN या फिर GANH कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है विंटर या फिर ड्राई सीजन, और नगाई मतलब होता है फेस्टिवल। तो आप समझ गए आप गान नगाई का मतलब क्या हुआ, विंटर फेस्टिवल, इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। और जेलियांगडोंग पीपल जो है ना, जो कि यहां पर रहते हैं, दे फर्दर कंप्राइज ऑफ जिमी, लियांगमई और रोंगमी ट्राइब्स एंड दे आर वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज जो क्या मणिपुर में रहते हैं। They also have sizable population in the neighboring states of Assam and Nagaland, right? तो मणिपुर के तो वैसे है, but yes, in Assam and Nagaland also we will find their sizable population. Next, PIB से यह news लिखा गया है regarding सागोल कांगजेई। ध्यान दीजिएगा, सागोल कांगजेई क्यों न्यूज में था, क्योंकि होम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था 112 foot टॉल स्टैच्यू ऑफ पोलो प्लेयर, है ना। सो मॉडर्न पोलो, अगर बोला जाता है मॉडर्न पोलो क्या, यही वाला गेम है, ये तो पता है ना पोलो गेम है ना। सो यस, इट इज सेड टू हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम सागोल कांगजेई। नाउ सागोल कांगजेई है क्या, यह एक मणिपुर का इंडिजिनस स्पोर्ट है जिसमें जो मतलब प्लेयर जो है ना वो हॉर्सेस को राइड करते हैं। हॉर्सेस स्पेसिफिकली कौन से हॉर्सेस, ये मणिपुर में एक पोनीज है। देखो पोनीज भी जो है ना ये हॉर्स ही है, लेकिन है ना, बट ये हॉर्स का एक ब्रीड आप बोल सकते हो जो क्या छोटा साइज का होता है ना। वहां पे मणिपुर के लोग जो है उस पे चढ़ के ही ये लोग ये पोलो वाले गेम खेलते थे, ठीक है। और कहा जाता है दैट इसका रिकॉर्ड हमारे पास 14th century तक का है, दैट इज 14th century से ये सब रिकॉर्ड है दैट हाँ यहाँ पे ये गेम खेला जाता था। सो यस, मार्जिंग को जो है कंसिडर किया जाता है एज अ गॉड ऑफ पोलो और फीचर किया जाता है ए पोनी एज हिज करियर। इनफैक्ट ये जो लय हराओबा फेस्टिवल है ना, ये स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है जो क्या डिपिक्ट करता है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ खोरी पाबा। खोरी पाबा कौन, ये क्या है, ये पोलो प्लेइंग गॉड्स ऑफ स्पोर्ट्स है। तो देखो थोड़ा टेक्निकलिटीज है ना, बट जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस अ बिट। यस, मणिपुर पेनी एंड अनडाउटेडली वन ऑफ द 5 रिकॉग्नाइज्ड यूकीन ब्रीड्स ऑफ इंडिया। मैंने बोला ना दैट वेरियस जो ब्रीड्स होते हैं उसके ही एक ये पोलो पोनी भी ब्रीड है, बट हाँ एक छोटा साइज का ब्रीड है, राइट। मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स को भी डेवलप किया गया है एज अ वे ऑफ टू कंजर्व द मणिपुर पोनी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुट्स होल्ड ऑन NUE लाइसेंसिंग। NUE बोले तो क्या होता है भैया, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंसिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक होल्ड दे दिया है इसके लाइसेंसिंग देने को। तो सवाल होता है दैट क्यों ये लाइसेंसिंग को होल्ड दिया, किस चीज के रिलेटेड। देखो आपको पता है ना NPCI किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, राइट। सो बेसिकली एक नया फिनटेक इंस्टीट्यूशन आया है और उसने RBI से लाइसेंसिंग माना था, तो RBI ने बोला नहीं नहीं अभी नहीं देंगे, अभी कुछ देर तक होल्ड किया है। तो सवाल होता है ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है क्या। देखो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी देखते हैं पहले क्या होता है, उसके बाद और भी चीजें डिस्कस करेंगे। ये एक एंटिटी है जिसको आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड किया है ना। इसका काम क्या होता है, न्यू इंडिया एंटिटी को मैनेज करना, ऑपरेट करना और पेमेंट सिस्टम दैट इज रिटेल सेक्टर में जो होता है ना, जैसे ATM, पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज, UPI,
उसमें मैनेज करना और ऑपरेट करना नए पेमेंट सिस्टम्स को, राइट अब आपको तो पता ही है हमारे देश में डोमिनेंस किसका है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, राइट सो यस इट विल ऑल्सो मैनेज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम दैट कुड बी ऑल्टरनेटिव टू द बैंक प्रोमोटर एमपीसीआई. बैंक क्या करती है, एमपीसीआई को प्रमोट करती है ना, बट ये जो है एक नया देश में प्लेयर है जो कि आना चाहता है, तो इसका भी लाइसेंसिंग धीरे रुका हुआ है. इट विल बी अलाउड टू चार्ज फीस फॉर ट्रांजैक्शंस अनडाउटेडली. अभी मैं एनयूई का ही बात कर रहा हूं, एनयूई बोले तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी का ही बात कर रहा हूं, राइट. एंड आरबीआई बोला जा रहा है दैट इन 2020 गाइडलाइन भी आरबीआई ने इश्यू किया था फॉर कॉरपोरेट्स, जिससे क्रिएट किया जा सके फॉर प्रॉफिट एनयूईज, राइट, जिससे ऑफकोर्स डीरिस्क किया जा सके इंडिया का बर्ग्यूइंग दैट इज ग्रोइंग हमारा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, राइट. सो इसी के रिलेटेड फेसबुक, गूगल, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ऐसे बहुत सारे अदर भी इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, जिन्होंने नेशनल न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को अप्लाई करने के लिए लाइसेंस के लिए गुहार लगाई थी, बट आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशंस थी, किसी ने भी आरबीआई की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं की थी, राइट. तो अगर ये अगर हो जाए तो अनडाउटेडली कहीं ना कहीं रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम ही तो इंप्रूव होगा ना. रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेट क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम कंज्यूमर टू मर्चेंट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. बाई चांस अगर आप कुछ चीजें खरीदने गए, सो वॉट अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, देन दैट इज वॉट कॉल्ड डिजिटल रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम, राइट. नेक्स्ट, न्यू ड्वार्फ बोआ जो है ना, ये इक्वेडोरियन अमेजॉन में पाया गया एक नया ड्वार्फ बोआ, जो क्या एक स्नेक के कैटेगरी में आता है, राइट, जिसका अप टू 20 सेंटीमीटर जो है इसका लंबा है, एंड स्किन कलर जो है वो सिमिलर टू बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, जो कि एक स्नेक की स्पीशीज है. दीज स्नेक्स आर रेलिक ऑफ टाइम, कहा जा रहा है, जी हाँ कहा जा रहा है दैट ये स्नेक जो अभी मिला है ना, दिस कैन बी प्रूव टू बी दैट फैक्ट दैट ये बहुत दिन से ये स्नेक्स जो है रहे हैं, राइट. तो अनडाउटेडली कहीं ना कहीं ये रेलिक ऑफ टाइम ही तो है, मतलब ये एक प्रिविलेज है दैट वी आर स्टडिंग दीज बोआ स्पीशीज ऑफ स्नेक, राइट, छोटा छोटा स्पेस. नेक्स्ट, प्रोटीन फाउंड इन जेब्रा फिश, ये वाली फिश है, दिख रही है आपको स्क्रीन में, तो इसमें एक ऐसा प्रोटीन पाया गया है, कहा जा रहा है, जो क्या ह्यूमन वर्टेब्रेट में जो एजेड डिस्क का प्रॉब्लम है ना, उसको खत्म कर सकता है और एजेड डिस्क को रीजनरेट कर सकता है. सो ये प्रोटीन पाया कहां गया है, ये जेब्रा फिश का जो बैकबोन है ना वो पाया गया है, और कहा जा रहा है दैट ये प्ले करता है एक वेरी पॉजिटिव रोल इन डिस्क मेंटेनेंस एंड प्रमोट्स रीजनरेशन इन एजेड डिस्क बिटवीन द वर्टिब्रेट्स. वैसे तो ये देखो एक जस्ट पाया गया दैट ओके, जब इसका हम लोग अगर चाहे तो इन कमिंग डेज फ्यूचर में एक थ्योरेटिक इंप्लीकेशन आएगा ही इसका, ठीक है कोई बात नहीं, बट वॉट वी आर स्टडिंग हेयर इज दैट इसकी स्टडी करने से जो है ना, मतलब इसकी जो स्टडी अभी भी गोइंग ऑन फेज में है, राइट. सो एज सून एज एनी कॉन्क्रीट थिंग हैपेंस, ऑफकोर्स विल अपडेट यू. नेक्स्ट, स्नैप ड्रैगन सैटेलाइट न्यूज में है. क्वालकॉम ने अनाउंस किया है स्नैप ड्रैगन सैटेलाइट के बारे में. ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो क्या दो वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है टू प्रीमियम स्मार्टफोन्स. देखो हमारे आपका स्मार्टफोन जो है शायद आपका प्रीमियम हो सकता है, राइट, बट मैं बोल रहा क्या सबका प्रीमियम नहीं होता, राइट. अब क्या है ना दैट आप से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रीमियम स्मार्टफोन है, आपके पास भी प्रीमियम कोई स्मार्टफोन है जैसे आईफोन टाइप्स, राइट. So, और उसमें अगर ये सर्विसेज है तो ही ये एक्सेस कर पाओगे, है ना. तो बाई चांस सोचो आप ऐसा जगह चले गए जहां पे आपको कुछ टावर और कुछ नहीं पकड़ रहा है, बट स्टिल यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी, हाउ यू विल डू दैट. उसके लिए चाहिए होता है सैटेलाइट कनेक्टिविटी. ये एक दो वे टेक्सटिंग है जो क्या कोई भी रिमोट एरिया ऑफ द वर्ल्ड से आप कर सकते हैं, इवन जहां तक टेलीफोन का टावर भी नहीं पहुंचा है तो, ठीक है. इसमें मैक्सिमम आप 160 कैरेक्टर के मैसेजेस टाइप करके भेज सकते हैं, राइट. और अनडाउटेडली जैसे कि मैंने बोला दैट ये एक मैसेजिंग सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, है ना. तो बिना सैटेलाइट के थ्रू भी, मतलब आप इन इवन इफ दैट यू डोंट हैव द डेटा दैट आर रिसीविंग डायरेक्टली, सो स्टिल यू कैन एक्सेस दैट, राइट. अब आ जाता है एमसीक्यूज में दोस्तों. कल का एक एमसीक्यू था रिगार्डिंग पर्पल फेस्ट. So, the first of its kind inclusive festival has been celebrated in India, Purple Fest. So, ये embrace, express or celebrate करता है which among the following group of people? The correct answer was persons with disabilities. बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था इसको.
आज का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रमोटिंग न्यू अम्ब्रेला एंटिटी नेटवर्क दैट इज NEMUE नेटवर्क इन आवर कंट्री, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा, वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे सेशन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।